नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन से भी पूछे जाते हैं या टेक्नीशियन से भी पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि मल्टीमीटर क्या होता है, तो मल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, रेजिस्टेंस, मिली वोल्ट, मिली एम्पियर और केबल का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि मल्टीमीटर से क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करते हैं जिसका यूनिट वोल्ट होता है और उसका सिंबल वी होता है। करंट मेजर करते हैं जिसका यूनिट एम्पियर होता है और उसका सिंबल ए होता है, या कहीं कहीं उसका सिंबल आई होता है। ए भी लिखा होगा तो समझेंगे कि एम्पियर है, करंट मेजर करने के लिए करंट का यूनिट है, और आई भी लिखा हुआ होगा उसका भी मतलब होता है करंट। उसी तरह रेजिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं और उसका सिंबल ओम होता है, और पावर का जो यूनिट्स होता है वो वाट होता है और उसको W से डिनोट करते हैं, या उसका सिंबल W होता है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में मेजर किया जाता है और उसका सिंबल HZ होता है, कैपिटल H और कैपिटल Z। उसी तरह कैपेसिटेंस को का जो यूनिट होता है वो फराड होता है और उसको उसका सिंबल होता है वो F होता है। तो इस तरह एक मल्टीमीटर से वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर, फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस ये सभी मेजर करते हैं, ये सभी चेक करते हैं। कि ये भी पूछा जाता है करंट को मेजर करते हैं, उसके बाद ऑप्शन रहेगा पैरालेल में और सीरीज में, तो इसका आंसर होगा सीरीज में। जब भी करंट को मेजर करना हो तो उसे सीरीज में ही चेक किया जाता है और वोल्ट को पैरालेल में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ ऐसे कंपनी के नाम बताइए जिसका इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे प्रेशर ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर या सेंसर्स। ये सभी जो यूज होते हैं ये किसी न किसी कंपनी का होगा, बना हुआ होगा, तो उस कंपनी के नाम बताइए। तो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो ट्रांसमीटर होता है वो निम्नलिखित कंपनी का होता है, जैसे इमर्सन प्रोसेस, रोज माउंट, योकोगावा, इंड्रेस प्लस हाउजर्स जिसे E+H भी बोला जाता है, क्रोन, साइमंस, हनीवेल और ABB। इन सभी कंपनियों के डिवाइसेज ज़्यादा यूज होते हैं इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसमीटर का सप्लाई वोल्टेज कितना होता है। तो ट्रांसमीटर 24 वोल्ट DC सप्लाई पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसमीटर का आउटपुट क्या होता है। ट्रांसमीटर का आउटपुट 4-2, जनरली जो भी ट्रांसमीटर होते हैं या सभी ट्रांसमीटर 2-वायर सिस्टम पे काम करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि PLC, DCS जो भी इंडिकेटर होते हैं या कंट्रोलर होते हैं वे सभी हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, पैरालेल में नहीं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4-20 मिली एम्पियर DC सिग्नल ही क्यों यूज होता है ट्रांसमीटर में। तो 4-20 मिली एम्पियर सिग्नल इसलिए यूज होता है कि अगर कोई ट्रांसमीटर है 4-20 मिली एम्पियर दे रहा है और कहीं से उसका वायर ब्रेक हो गया तो 4 मिली एम्पियर नहीं आएगा, 0 शो करेगा। अगर 0-20 मिली एम्पियर अगर सिस्टम रहेगा, काम करेगा, तो अगर कोई सर्किट ब्रेक है फिर भी 0 दिखलाएगा, और 0 है
लेकिन कंटिन्यूटी लाइन कनेक्टेड है फिर भी जीरो बताएगा, तो उसे पता नहीं लग पाएगा कि इसका कंटिन्यूटी है या लाइन ब्रेक है, इसका जो वायर है कहीं से छूटा हुआ है। इसलिए 4 to 20 मिली एम्पियर का यूज किया जाता है कि अगर लाइन कहीं से ब्रेक हो, अगर कहीं से सर्किट ब्रेक हो तो 0 mA आएगा या 0 V आएगा, तो उसे पता चलेगा कि कहीं ना कहीं सर्किट ब्रेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेम्परेचर का यूनिट्स क्या क्या है। तो टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फारेनहाइट, डिग्री केल्विन और डिग्री रैंकिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर ट्रांसमीटर का आउटपुट क्या होता है। तो टेम्परेचर ट्रांसमीटर का आउटपुट 4 to 20 मिली एम्पियर होता है। कैलिब्रेशन करने के लिए क्या क्या रीडिंग लेना आवश्यक है। तो कैलिब्रेशन करने के लिए कंपनी का नाम लिखा जाता है सबसे पहले, मॉडल नंबर लिखा जाता है, फिर उसका रेंज कितना से कितना है वो लिखा जाता है, फिर उसका आउटपुट रेंज क्या है और उसका सप्लाई वोल्टेज कितना है, जैसे 24 वोल्ट DC, और उसका इनपुट टाइप क्या है, जैसे वो RTD है या थर्मोकपल है क्या है, वो सभी लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मोकपल का आउटपुट क्या होता है। तो थर्मोकपल का आउटपुट मिली वोल्ट होता है, जिसे MV बोलते हैं। उसी तरह LRV और URV क्या होता है। तो LRV लोअर रेंज वैल्यू और URV अपर रेंज वैल्यू होता है। किसी भी ट्रांसमीटर का एक रेंज होता है, जैसे अगर कोई प्रेशर ट्रांसमीटर है तो उसका रेंज मान लीजिए 0 से लेकर के, और अगर प्रेशर ट्रांसमीटर है तो 0 से लेकर के और 80 kg है या 100 kg है या 200 kg है, तो 0 जो हो गया उसका LRV हो गया, और 200 या 100 जो लास्ट है, जो मैक्सिमम उसका रेंज है, वो उसका URV हो गया, अपर रेंज वैल्यू हो गया। इस तरह LRV और URV होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है विच थर्मोकपल इज मोस्टली यूज इन इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला थर्मोकपल कौन सा है जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो इसका आंसर है के टाइप थर्मोकपल। अभी जो थर्मोकपल होते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है को थर्मोकपल कितने प्रकार का होता है या कौन कौन टाइप का होता है, कुछ नाम बताइए। तो टाइप ऑफ थर्मोकपल में आएंगे ई टाइप थर्मोकपल, जे टाइप थर्मोकपल, के टाइप थर्मोकपल, आर टाइप थर्मोकपल, एस टाइप थर्मोकपल और टी टाइप थर्मोकपल। इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए ऐसा याद रख सकते हैं EJKRST, ये सभी थर्मोकपल के टाइप हैं। क्वेश्चन पूछाता है कि के टाइप थर्मोकपल का रेंज क्या होता है। तो के टाइप थर्मोकपल का रेंज -180 से 1260 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RTD का आउटपुट क्या होता है। तो RTD जो है वो ओम में शो करता है, रेजिस्टेंस शो करता है। थर्मोकपल और RTD में क्या अंतर है। तो RTD जो है वो लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है, जबकि थर्मोकपल हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। उसी तरह RTD का आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, जबकि थर्मोकपल का आउटपुट मिली वोल्ट होता है। उसी तरह जो RTD है उसका वर्किंग प्रिंसिपल चेंज इन रेजिस्टेंस होता है, जबकि थर्मोकपल का वर्किंग प्रिंसिपल सीबैक इफेक्ट होता है। RTD RTD में कोई भी केबल नॉर्मली यूज हो सकता है, जबकि थर्मोकपल में स्पेशल केबल यूज होता है। RTD जिस मटेरियल का बना होता है उसी मटेरियल का उसका लीड वायर बना होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि
सॉरी, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि थर्मोकपल का जो लीड वायर होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो थर्मोकपल का लीड वायर जिस मटेरियल का थर्मोकपल बना होता है उसी का बना होता है, जबकि आरटीडी में कोई भी केबल नॉर्मली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मोवेल क्यों लगाते हैं। तो थर्मोवेल इसलिए लगाते हैं ताकि जो टेम्परेचर एलिमेंट है उसके सेंसर्स या टेम्परेचर एलिमेंट डैमेज ना हो, उसके लिए थर्मोवेल का यूज किया जाता है। क्योंकि आपको मालूम है कि हमेशा थर्मोवेल के अंदर ही टेम्परेचर एलिमेंट लगाते हैं, जैसे आरटीडी या थर्मोकपल, हमेशा जो थर्मोवेल होता है उसमें ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गैस लाइन में लगा हुआ ट्रांसमीटर का कहाँ लगाते हैं। तो गैस लाइन में लगा हुआ ट्रांसमीटर हमेशा प्रोसेस लाइन से ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड लाइन में लगा हुआ ट्रांसमीटर होता है, ऑप्शन रहेगा प्रोसेस लाइन से नीचे, प्रोसेस लाइन से ऊपर। तो लिक्विड लाइन में लगा हुआ ट्रांसमीटर हमेशा प्रोसेस लाइन से नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडेंसेट पॉट का यूज किया जाता है, ऑप्शन रहेगा स्टीम लाइन में, लिक्विड लाइन में और गैस लाइन में। तो इसका आंसर होगा कि हम कंडेंसेट पॉट हमेशा स्टीम लाइन में यूज किया जाता है। टेम्परेचर स्विच क्या है। टेम्परेचर स्विच एक ऐसा स्विच है जो टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर ऑन ऑफ होता है। उसी तरह प्रेशर स्विच एक ऐसा स्विच है जो प्रेशर के इंक्रीज होने पर या डिक्रीज होने पर एक सेट पॉइंट तक पहुंचने पर ऑन या ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोवेल क्या होता है। तो थर्मोवेल क्यों यूज करते हैं, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि थर्मोवेल क्या है। तो थर्मोवेल का यूज टेम्परेचर सेंसर को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, या हाई प्रेशर से सेंसर को डैमेज होने से बचाता है। प्रेशर क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहा जाता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, FyA। प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन कौन से यूनिट है, तो प्रेशर को kg प्रति cm स्क्वायर, बार, PSI, पास्कल, MmH2O, MmHg, इंच H2O, इंच Hg में मेजर किया जाता है। एक kg मतलब कितना PSI होता है, तो 1 kg प्रति cm स्क्वायर मतलब 14.223 PSI। एक बार मतलब 14.504 PSI। एक बार मतलब 1000 मिली। प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट के नाम बताइए। तो प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट जैसे बर्डन ट्यूब, सी टाइप बर्डन ट्यूब, स्पाइरल, हेलिकल, बेलोज और डायफ्राम, ये सभी प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट हैं। प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट क्यों यूज किया जाता है। तो प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट प्रेशर को सेंस करके और आउटपुट देता है। प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट। प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट शेप चेंज प्रिंसिपल पे काम करता है। सी टाइप बर्डन ट्यूब, तो सी टाइप बर्डन ट्यूब नॉर्मली जो है वो प्रेशर गेज में यूज होता है, कि उसके ऊपर जब प्रेशर बढ़ता है तो उसका जो एंड होता है, वो जो क्लोज एंड होता है, वो चेंज होता है, वो एक्सपैंड होता है, जिसके चलते बर्डन ट्यूब प्रेशर को मेजर करता है, प्रेशर को शो करता है।
एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो बेलोज हैं वो लो प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, वो प्रेशर स्विच में ज़्यादातर यूज होता है, और डायफ्राम जो होता है वो प्रेशर ट्रांसमीटर में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर गेज में जो एक लिक्विड भरा होता है उसका क्या नाम है? तो प्रेशर गेज में जो लिक्विड भरा होता है वो ग्लाइकोल होता है, नॉर्मली ग्लाइकोल यूज किया जाता है। उससे क्या होता है कि जो प्रेशर गेज का जो इंटरनल पार्ट होता है वो डैमेज नहीं हो पाता है, और जो भी लिक्विड फिल्ड जो प्रेशर गेज होते हैं वे सभी वाइब्रेशन वाले एरिया में लगे होते हैं, जैसे कोई पंप है या कंप्रेसर है उसमें लगा हुआ होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।